हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल रितूज नोट्स तो आज जो टॉपिक हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो अलेक्जेंडर पोप का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम द रेप ऑफ द लॉक है एग्जाम्स में इसके समरी भी आते हैं लेकिन कई बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक और मॉक हीरोइक पोएम तो आज मिली हमारा आंसर इसी पे बेस्ड है

हीरोइक पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये एक फेमस मॉक हीरोइक पोएम है पोप वाज अ वेरी टैलेंटेड पोइट ऑफ न्यू क्लासिकल एज न्यू क्लासिकल एज के पोप एक बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं ही वाज एन इंग्लिश पोइट वो एक इंग्लिश पोइट थे ट्रांसलेटर एंड सटायरिस्ट ट्रांसलेटर और सटायरिस्ट भी थे ऑफ द अर्ली एटीन सेंचुरी अर्ली एटीन सेंचुरी के Alexander Pope's The Rape of the Lock is considered one of the most successful mock epics ever written in English literary history. तो हमारे इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉक एपिक्स में से माना जाता है। The central incident in the poem is nothing ब द्थ ऑफ ए लॉक तो इसका जो मेन सेंट्रल थीम आप कह सकते हो है कि वो जो बाल के लट होते हैं उनमें से एक बेलेंडा नाम का कैरेक्टर है उसके दो लटे होती हैं जिनमें से एक को काट दिया जाता है तो मेन सेंट्रल इंसिडेंट वही है एंड दिस ट्राइबल इंसिडेंट हैज़ बीन ट्रीटेड बाई पोप विद अ ग्रैंड हीरोइक डायमेंशन और ये जो एक घटना है इसको एक बहुत हीरोइक डायमेंशन दे के पोप ने लिखा है मॉक एपिक अब हम देखते हैं कि मॉक एपिक क्या होता है मॉक एपिक और मॉक हीरोइक इज अ फॉर्म ऑफ सटायर ये एक फॉर्म है सटायर का दैट मॉक्स कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज और इसमें स्टीरोटाइप वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये है एक घिसी पिटी धारणा या फिर आप कह सकते हो कि वो चीज़ें जो बरसों से मानी चली आ रही है जैसे रूढ़ीवादी जो हम कहते हैं उस चीज़ को दिखाया जाता है इसमें एंड हीरोइक लिटरेचर और हीरोइक लिटरेचर को दिखाया जाता है सच मॉक एपिक्स पुट अ फूल इन द रोल ऑफ अ हीरो और एग्जर्जेट द हीरोइक क्वालिटीज़ टू सच एन एक्सटेंड दैट दे बिकम एब्सर्ड और ये जो मॉक एपिक जो टाइप है सटायर का इसमें हमें कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाया जाता है जिसमें मतलब वो घटना छोटी सी रहती है बट उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और साथ ही साथ उसे एब्सर्ड भी कर दिया जाता है मतलब उसको थोड़ा रिडिकुलस फॉर्म दे दिया जाता है अ मॉक एपिक कंटेंस सेवरल फीचर्स ऑफ एन एपिक और जो एपिक का जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिस पे ये मॉक एपिक आता है सच एज लेंधी स्पीचेस इसमें लेंदी स्पीचेस होते हैं बैटल्स लड़ाई का जिक्र होता है एक्सेट्रा बट ऑल फॉर अ कॉमिक इफेक्ट लेकिन हर चीज़ को बस एक कॉमिक इफेक्ट देने के लिए ये सब फीचर्स का यूज़ किया जाता है द मॉक हीरोइक एपिक इज़ अ पोएट्री फॉर्म विच यूज द एपिक फॉर्म एट स्ट्रक्चरली तो ये जो मॉक हीरोइक एपिक पोट्री है इसमें बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर वे में एपिक को दर्शाया जाता है दर्पज़ ऑफ अ मॉक हीरोइक एपिक इज ऑलवेज सटारिकल और ये जो पोएम है ये जो मॉक हीरो टाइप का जो लिखा जाता है पोएम ये हमेशा सटारिकल फॉर्म में होता है द the थीम अब हम देखते हैं कि थीम क्या था इस पोएम का द थीम ऑफ अ पोएम द रेप ऑफ द लॉक इज अ कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ अ लेडीज़ हेयर तो इसमें जो बेलेंडा नाम की जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेलेंडा नाम की लेडी है उनका दो लॉक रहता है हेयर लॉक रहता है दो बालों की लटे रहती हैं जिनमें से एक को काट दिया जाता है तो इसका सेंट्रल थीम यही है देयर इज नथिंग हीरोइक इन इट इसमें कुछ हीरोइक नहीं है एंड येट पोप हैज़ गिवन इट द डिग्निटी एंड एपिक ट्रीटमेंट और फिर भी पोप ने इसे एक बहुत ही अच्छे एपिक डायमेंशन दे करके इसे क्रिएट किया है द रेप ऑफ द लॉक इज ए सोशल सटायर पोएम पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेप आजकल के जो चीज़ें हो रही है उस पर नहीं बेस्ड है इसमें रेप को यह दर्शाया गया है कि पहले के लट को जो वो काट दिया गया था बेलिंडा के लट को तो उस इंसिडेंट को एक तरह से रेप का नाम दिया गया है द रेप ऑफ द लॉक इज अ सोशल सटायर ये एक सोशल सटायर पोएम है वेर द पोइट मॉक्स द अपर क्लास ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थ्रू सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस और इसमें पोप ने यह दर्शाया है कि जो अपर क्लास के लोग थे उनकी सोच को दर्शाया है और उन्होंने इसी चीज को अपने वर्ड्स में बया गया है द मेन थीम ऑफ द पोएम इज कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ द प्रोटेगनिस्ट हेयर विच इज मॉकिंगली रिफर्ड टू बीग रेप्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो लॉक होते हैं बेलिंडा का जिनमें से एक को काट दिया जाता है और इसी को एज अ रेप्ड रिफर किया गया है बेलिंडा इज अ लेडी बिलोंगिंग टू द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी और बेलिंडा एक अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं हर टू हेयर लॉक्स ऑफ़ हेयर डिफाइन हर ब्यूटी और इनके जो दो लटें होती हैं बालों की वो इनकी ब्यूटी को और खूबसूरत बना देती हैं वो और खूबसूरत लगती हैं इसकी वजह से एंड ब्रिंग हर ऑनर देयर फॉर द बैरन चॉप्स ऑफ वन ऑफ हर लॉक्स एज टर्म्ड एज रेप हेयर और बैरन नाम का जो कैरेक्टर है वो उनकी एक लट को काट देता है जिसे कि यहाँ पर रेप का नाम दिया गया है द एक्शन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक टर्न्स ऑन अ ट्रैवल इंसिडेंट और ये एक ट्रैवल इंसिडेंट पे बेस्ड है ट्रैवल इंसिडेंट से आप कह सकते हैं एक छोटी सी घटना या तुच्छ घटना आप कह सकते हैं उस पर बेस्ड है द कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ अ हेयर फ्रॉम अ लेडीज़ हेड जिसमें से कि एक लेडी की जो हेयर लॉक है उसमें से काट दिया जाता है उस पर यह बेस्ड है सच अ थिंग हैड टेकन प्लेस इन रियालिटी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है वन लॉर्ड पीटर एक लॉर्ड पीटर नाम के आदमी ने कट ऑफ अ लॉक ऑफ अयर फ्रॉम द हेड ऑफ अ एरबेला और एरबेला नाम की एक लड़की थी जिनको लॉर्ड पीटर ने उनकी लट को काट दिया था और इसी टू इंसिडेंट पे ये पोएम बेस्ड है देयर वाज ए क्वारल बिटवीन द टू फैमिलीज़ दोनों फैमिलीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं एंड पोप वाज रिक्वेस्टेड टू मेक और पोप को ये उनके एक फ्रेंड हैं थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर आप ये बनाए जस्ट ऑफ ए मतलब इस इंसिडेंट पे आप कुछ लिखें ऐसा उनके फ्रेंड ने उनको रिक्वेस्ट किया था दिस वाज द ओकेजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पोएम और यहीं से इस पोएम की कंपोजिशन की शुरुआत होती है द मॉक एपिक एलिमेंट्स इन द रेप ऑफ द लॉक तो अब हम देखते हैं कि इस पोएम में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से इसे मॉक एपिक कहा जाता है फर्स्टली एवरी एपिक पोएम डील्स विद वन और द अदर पैशन विच डिस्टिंगइाइज इट फ्रॉम अदर पोएम्स फॉर द स्पीसीज अपने हर अलग अलग पोएम के अपने अलग अलग तरह के फीचर्स हैं जिसे वो एपिक बनाते हैं दी होल स्ट्रक्चर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज कास्ट इन दी एपिक मूड सारे ही स्ट्रक्चर को अपिक मूड देने की कोशिश की है इस पोएम में बट इट कुड नॉट बी ए सीरियस अपिक लेकिन इसे हम सीरियस अपिक नहीं कह सकते हैं बिकॉज द इंसिडेंट इज ट्राइवल क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी घटना पर आधारित है सो वी हैव द मॉक हीरोइक और हीरोइ कॉमिक पोएम तो हम इसे एक मॉक हीरोइक या फिर हीरोइ कॉमिकल पोएम कह सकते हैं दी पोएम इज़ डिवाइडेड इन टू कैंटॉन्स जैसा कि हर एपिक पोएम को डिवाइड किया जाता है कैंटॉन्स में तो ये पोएम भी कैंटॉन्स में डिवाइडेड है द पोएम बिगिनस विद एन एपिक ट्रेडिशन और ये एक एपिक ट्रेडिशन से शुरू होती है एज एन एपिक्स इन द रेप ऑफ द लॉक टू डिवाइन बींग आर पोर्ट्रेटेड और जैसा कि एपिक मॉक एपिक का एक वो फीचर है कि इसमें एक डिवाइन बींग को भी पोर्ट्रे किया जाता है डिवाइन बींग से मतलब है कि सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को भी इसमें दर्शाया गया है नोट ऑफ द आयरनी और नोट ऑफ द आयरनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मॉक एपिक्स में मिलती है द नोट ऑफ़ द आयरनी एंड द एफेक्शन इन द पोएम कंप्लीट द मॉक हीरोइक स्टाइल तो ये जो नोट ऑफ आयरनी है ये हमारे इस हीरोइक पोएम को बहुत ही अच्छा तरीके से कंप्लीट करती है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नोट ऑफ आयरनी का आप ये कह सकते हैं कि जो बोला गया है उसके जस्ट अपोजिट उसे कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ मॉक एपिक पोएम अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे फीचर्स की तरफ से सुपर नेचुरल एलिमेंट सुपर नेचुरल एलिमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मॉक एपिक में पाया जाता है दी एपिकलवेज यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो एपिक होता है वो हमेशा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करता है इन द रेप ऑफ द लॉक देयर आर सिल्वस एंड नॉम्स तो इसमें सिर्फ और नॉम्स नाम के एक एंटिटीज़ हैं एक एरियल भी है जिनसे दर्शाया गया है दिज एरियल स्पिरिट्स आर स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स और ये एक बहुत ही छोटे रूप में दर्शाया गया है इन्हें द गार्ड द पर्सन ऑफ द हीरोइन एंड वेन देर इज अ फाइट बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ द बेलिंडा एंड दोज ऑफ बैरन दे टेक पार्ट इन द फाइट तो ये लोग जो हैं ये उस जो बेलिंडा नाम की लड़की का जो लट होता है उसके वो बॉडी गार्ड बन के रहते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं इस चीज़ को लेकर के बैरोन और बेलिंडा के बीच में तो ये लोग भी उस फाइट में पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्बैट्स लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है हमारे एपिक्स में देर आर सिंगल कॉम्बैट्स ऑल्सो बिटवीन बेलिडा एंड द बैरन बैलिंडा और बैरन के बीच में भी लड़ाई हुई थी इस एपिक के एपिक में एंड बिटवीन क्लैरिसा एंड सप्लूम और इन दोनों के बीच में भी इस पोएम में लड़ाइयाँ हुई थी कॉम्बैट्स एंड बैटल्स आर ऑल्सो टू बी नोटेड इन एन एपिक और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिक पोएम्स में कॉम्बैट्स और बैटल्स को भी दर्शाया जाता है फाइनली हम इसे कंक्लूड कर लेंगे कंक्लूजन लिख के हेंस बाय हैंस बाई दी मे सी दैट द रेप ऑफ द लॉक इज अनडाउटेबली ए मॉक एपिक पोएम और इसे बिना किसी डाउट के एक मॉक एपिक पोएम कह सकते हैं हम बट इट हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ वेल लेकिन जब ये आया था तो ये एक क्रिटिसिज्म का भी टॉपिक बना था एंड एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम एक एपिक एक लॉन्ग long... नेगेटिव पोएम होती है बट द रेप ऑफ द लॉक इज़ कंपेरेटिवली मच शॉर्टर लेकिन जब हम द रेप ऑफ द लॉक देखते हैं तो ये काफ़ी छोटा है इन लेंथ बट नो डाउट इट इज़ अ ट्रू मॉक हीरो स्टाइल लेकिन हम इसे एक ट्रू मॉक मॉकअपिक पोएम कह सकते हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके सिलेबस की हो तो प्लीज़ लाइक करें कोई भी दिक्कत हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय